राम केवल एक नाम नहीं है, एक आस्था ही नहीं है। राम अपने आप में एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। जब आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, आप किसी भी तकलीफ में रहें, कहीं भी रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, अच्छी या बुरी कंडीशन में, बस एक बार मन से राम वर्ड यूज़ करिए, आपको जो सुकून और जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग होगी वो शायद किसी और नाम में नहीं है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पे मैं चंद दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, यानी कि जिसने जिंदगी के हर एक रूप को देखा हो, हर एक कष्ट को सहा हो, छोटी से हर एक बड़ी बातों का ध्यान रखा हो, प्रभु श्री राम हर तरीके से कैपेबल थे, लेकिन एक दुनिया को मैसेज देना था, अपने कर्तव्यों का कितनी अच्छी तरह से निर्वहन कर सकता है। ऐसे आराध्य प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं आप सभी लोगों को शुभाशीष देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस दिन से एक नए युग का आरंभ होगा, और इस शुभ अवसर पे मैं एक दिन के लिए सवेरे 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक अपने YouTube चैनल पे लाइव अवेलेबल रहूँगा, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मरीज को फ्री कंसल्टेशन देने के लिए। जुड़िए हमसे हमारे YouTube चैनल में, मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 2 बजे तक कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है। जो पुराने मरीज हैं वो भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने मरीज हमारे कॉन्टीन्यूटी में हैं, ऐसे केवल 10 मरीजों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। मौका सबको मिलना चाहिए, जिसको भी समय देंगे पूरा समय देंगे। उम्मीद करते हैं आप उस समय का सदुपयोग करें। जरूरी बात जो सबसे जाते हैं, भगवान श्री राम कर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे और कर्म को उन्होंने हमेशा प्रधान माना, बेटे के रूप में अपने कर्म को प्रधान माना, एक राजा के रूप में अपने कर्म को प्रधान माना, एक पुत्र के रूप में अपने पिता के दिए गए वचनों का पालन किया, एक माँ की मान किया, एक पत्नी धर्म का निर्वाहन किया, भाई के रूप में और प्रजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का संपूर्ण निर्वाहन किया। यानी कि यदि एक आदमी की ज़िंदगी में आप सारे रूप देखना चाहते हैं, तो नो डाउट प्रभु श्री राम की जो लाइफ रही है, जो ज़िंदगी रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ठीक बने रहें, और अपने इनर फीलिंग में, अपने अंतर मन में उस प्रभु श्री राम को महसूस करें, और उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उससे सोसाइटी